एवरीवन वेलकम टू एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी चल रही है प्रोनाउंस की क्लास, तो फ्रेंड्स आज हम प्रोनाउन के सेक्शन में कुछ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सीखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोनाउन में इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, बेसिकली इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं आज हम जानेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन के प्रयोग के कि इंडिफिनिट प्रोनाउन कैसे होते हैं, कौन से प्रोनाउंस होते हैं इंडिफिनिट। ठीक, चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने सेक्शन को हम करते हैं स्टार्ट। ठीक, देखिए हम बात करेंगे आज इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, इंडिफिनिट प्रोनाउन में हम पहले सीखेंगे ए पार्ट। ठीक, ए पार्ट में देखिए नो anybody, no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody। ठीक, देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन ने हमने क्या किया, हमने पहले लिया ए पार्ट। ए पार्ट ने क्या बताया आपको कि नो वन नो बडी, एनी वन एनी बडी, एवरी वन एवरी बडी। देखिए ऐसे कि हम बगल में हम लिख दे रहे हैं। ठीक, नो वन नो बडी, समवन समबडी, एनी वन एनी बडी, everyone, everybody। ठीक, देखिए इन सभी प्रोनाउन हमारे कहलाते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, यानी नो वन नो बडी, एनी वन एनी बडी, एवरी वन एवरी बडी, सम वन सम बडी। ठीक, यही हमारे कहलाते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपको पता ही होंगे ये कौन से प्रोनाउन है, इनडिफिनिट प्रोनाउन। आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोनाउन हमने आपके सामने कुछ लिखा है ये प्रोनाउन होते हैं सिंगुलर। ठीक, ये प्रोनाउन जो हमने आपके सामने लिखा है ये कैसे होते हैं सिंगुलर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये प्रोनाउन है सिंगुलर, जैसे मान लीजिए कि जब ये होंगे सेंटेंस में यूज, तो जब सेंटेंस में यूज होंगे तो ऐसे ही दिए रहेंगे, या नो वन नो बडी, या सम वन सम बडी, एवरी वन एवरी बडी, एनी वन एनी बडी। ठीक, जब ये सेंटेंस में आपको दिए रहेंगे तो आपको जब कंसेप्ट याद रहेगा या पता रहेगा कि हाँ ये बेसिकली होते हैं सिंगुलर। ठीक, जब ये होते हैं सिंगुलर तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आएगी। ठीक, जब देखिए जब ये होते हैं सिंगुलर, ठीक, जब ये होते हैं सिंगुलर तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आने चाहिए। ठीक, क्लियर। अब देखिए जैसे जब ये होते हैं सिंगुलर तो इनके साथ मान लीजिए वर्ब भी सिंगुलर आ गई। अब ये जो प्रोनाउंस हमने आपके सामने लिखा है ये यूज किसके लिए करें हम। ठीक, देखिए नहीं पता आपको, ये यूज होते हैं हमेशा नॉन लिविंग। ठीक, नॉन लिविंग जैसे आप समझ, सॉरी, ये होते हैं यूज लिविंग के लिए। ठीक, ये यूज हो गए हमेशा लिविंग के लिए। ठीक, लिविंग से मतलब ऐसे आप जान रहे होंगे सजीव। ठीक, लिविंग से मतलब ऐसे आप जान रहे होंगे सजीव। देखिए हमने क्या बात किया, इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, इंडिफिनिट प्रोनाउन में हमने आपके सामने क्या लिया, नो वन नो बडी, एनी वन एनी बडी, एवरी वन एवरी बडी, सम वन सम बडी। ठीक, हमने ये आपके सामने नाउन लिया और हमने आपको बताया कि यही सब नाउन जो आते हैं ये कहलाते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, जब इसका यूज सेंटेंस में होगा तो ये कैसे दिखेगा सिंगुलर। ठीक, हमने ये भी जान लिया और हमने क्या बात किया, जब ये सेंटेंस में सिंगुलर मिलेगा तो इनके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक, ये भी सीखा और आपको ये बताया हम
कि ये जो प्रोनाउंस है ये यूज किसके लिए होते हैं, तो ये यूज होते हैं लिविंग के साथ, यानी सजीव वस्तुओं के साथ ये इनका यूज सेंटेंस में होता है। ठीक ठीक हमने बात किया। अब देखिए हम इसी में बात करेंगे, इसको आप नोट करते जाइएगा। अब देखिए इसी में हम बात करेंगे हम अपने बी पर, यानी इसका इंडिफिनिट प्रोनाउन का ए पार्ट ये था और बी पार्ट भी हम आपको सामने बता रहे हैं। ठीक, बी पार्ट भी सेम ऐसे ही, कुछ लॉजिक ऐसे से बी पार्ट में भी हैं जो कि देखिए हम आपके सामने अभी बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बी पार्ट्स में भी यही, देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन का हमने पार्ट ए भाग सीखा। ठीक, अब हम पार्ट बात करेंगे पार्ट बी में। ठीक, पार्ट बी में ये होता है, जैसे मान लीजिए पार्ट ए है, इसमें एक हमने सीखा कि नो वन नो बडी, सम वन सम बडी, एनी वन एनी बडी और एवरी वन एवरी बडी। ठीक, अब देखिए जैसे हम बी पार्ट में सीखेंगे थिंग। ठीक, अब देखिए सेम कंसेप्ट इसमें भी लगेगा, नो एनी एवरी। ठीक, क्लियर। अब देखिए हमने क्या बात किया आपके सामने, पार्ट ए में हमने बात किया कि एवरी वन एवरी बडी, सम वन सम बडी, नो वन नो बडी, एवरी वन एवरी बडी। ठीक, हमने आपको बताया ए पार्ट में कि ये सब कौन से प्रोनाउन होते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, हमने बात किया फिर उसके बाद ये होते हैं सिंगुलर, और सेंटेंस में अपनी कहीं होगा यूज सिंगुलर तो उनके साथ वर्ब भी आएगी सिंगुलर, और ये प्रोनाउंस किसके लिए यूज होंगे, नॉन लिविंग सॉरी लिविंग के लिए, यानी सजीव के लिए। ठीक, अब देखिए जैसे हम बात करें अपने पार्ट बी में। ठीक, अब आपको पता होगा कि जब वो ए पार्ट में सीखा इंडिफिनिट प्रोनाउन, तो ये भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, देखिए वो भी इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए इससे बनते क्या है, नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग ठीक समथिंग। क्लियर, नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग समथिंग। अब हमने बात किया कि नथिंग एनीथिंग समथिंग एवरीथिंग ये कैसे प्रोनाउंस होते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, अब देखिए ये भी होते हैं कैसे, सिंगुलर। ठीक, जब ये हो गए सिंगुलर तो इसके साथ हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, वर्ब भी आनी चाहिए हमारी सिंगुलर। अब देखिए हमने ए पार्ट में बताया था कि वो यूज होते हैं लिविंग के लिए यानी सजीव के लिए, और ये यूज होंगे सेंटेंस में नॉन लिविंग के लिए, यानी नॉन लिविंग से मतलब निर्जीव चीजों के लिए। ठीक, क्लियर, ये होंगे यूज निर्जीव चीजों के लिए। देखिए आपने आपको हमने क्या बताया, इंडिफिनिट प्रोनाउन में ए पार्ट बताया और बी पार्ट में आपको बताया कि नो वन नो नो वन नो बडी, सम वन सम बडी, एवरी वन एवरी बडी और सम वन सम बडी, एनीथिंग एनीथिंग। अब देखिए इसमें हमने क्या बात किया, नो थिंग एनीथिंग समथिंग एवरीथिंग, और ये होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, और ये होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर होते हैं तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आने चाहिए, और ये यूज होंगे किसके लिए, निर्जीव के लिए। ठीक, अब देखिए जैसे हम इस पर आपको कराएंगे कुछ क्वेश्चंस, और उसी क्वेश्चन के थ्रू आपको आपका ये जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है आपकी बेसिक में एकदम हो जाएगा क्लियर। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने ले रहे हैं, एवरी वन वाज वी दे ही सॉ ठीक द लॉयन
ठीक, अब देखिएगा, अब इसी में हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस। ठीक, देखिए ये लिया हमने आपके सामने एक एग्जांपल नंबर पहला। ठीक, देखिए एग्जांपल नंबर पहले हमने क्या लिया कि एवरीवन, एवरीवन वाज फिंड वी दे ही सा द लॉयन। ठीक ठीक, क्लियर। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि ये जो एवरीवन है, ये जो एवरीवन है ये कौन सा, देखिए ये है इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, ये है इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो हमने उसके बाद क्या किया था कि जो हम इसमें प्रोनाउंस का यूज करेंगे, ठीक, मान लीजिए जब ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है और ये कैसा है, सिंगुलर भी है, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हुए भी ये कैसा है, सिंगुलर है, हमने आपको बताया था। तो उसके बाद हमने क्या बताया था, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो सिंगुलर प्रोनाउन हो, देखिए देखिए ऊपर भी सिंगुलर आएगी और सिंगुलर प्रोनाउंस भी आएंगे। ठीक, सिंगुलर, देखिए हमने आपको सिर्फ बताया था कि सिंगुलर वर्ब भी आएंगे, इसका मतलब है सिंगुलर वर्ब भी आएंगी, जब ये सिंगुलर है सिंगुलर नाउन भी आनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, दे और ही, यानी एक है दे प्लूरल और ये है सिंगुलर। ठीक, अब हम इसमें से किसका यूज करेंगे, ठीक बिल्कुल हम सिंगुलर का यूज करेंगे, दे का यूज नहीं करेंगे। ठीक, देखिए हमने सेंटर लिया एवरीवन वाज फिक्न वी दे ही सा द लायन, यानी देखिए ये दोनों को हमने साथ में लिया, तो हमने क्या बात किया कि एवरीवन है इंडिफिनिट प्रोनाउन और इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ साथ यह है सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, वर्ब भी चालू सिंगुलर होनी चाहिए, और जो इसमें वर्ब आएगी या जो प्रोनाउन आएगी वो भी आएंगी सिंगुलर। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कि अब हम देखिए इसी में हम क्वेश्चन सब हम दूसरा कराएंगे। ठीक, देखिए इस एग्जांपल के थ्रू आपने एक नया कंसेप्ट सीखा होगा, या आपने एक नया कंसेप्ट सीखा होगा। ठीक, अब देखिए इसे हम क्वेश्चन नंबर हम अपने टू की बात करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल हम आपके सामने और लेंगे, उससे आपको चीज़ें हो जाएंगी सभी आपकी क्लियर। ठीक, देखिएगा everyone have या has completed his her their, ठीक, his her their, उसके बाद या no error। ठीक, क्लियर। अब देखिए जैसे हम बात करें इसमें, अब देखिए सेंटेंस आप देखिएगा, देखिए everyone, ठीक, everyone चूंकि आपके है इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक, और इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ साथ ये है कैसे सिंगुलर, ठीक सिंगुलर है। अब देखिए एवरीवन चूंकि काम कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक समझिएगा, जैसे मान लीजिए एवरी पर्सन चूंकि है थर्ड पर्सन, ठीक एवरीवन जब है थर्ड पर्सन तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, देखिए अब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हम देखिए हैव है प्लूरल और हैज है सिंगुलर। अब देखिए ही हिम हिज, ठीक देखिए ही हिम हिज चूंकि ये भी है सिंगुलर, ठीक और ये है, ठीक सिंगुलर है, और देखिए देयर देयर भी है प्लूरल, ठीक मान लीजिए देयर भी है प्लूरल। देखिए जैसे हमने एग्जांपल नंबर टू लिया, उसमें क्या लिया हमने एवरीवन हैव या हैज कंप्लीटेड हिज या देयर, ठीक उसके बाद हमने लिखा एनी अदर, उसके आगे का सेंटेंस या नो एरर। ठीक, हम देखिए अब कॉन्सेप्ट सीखिएगा कि एवरीवन, ठीक एवरीवन अब की चूंकि हमने आपको बताया कि कैसे प्रोनाउन है इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक और हमने बात किया था कि ये कैसे होते हैं सिंगुलर, ठीक हमने बात किया था उसके बाद जब ये सिंगुलर हैं तो जब ये हैं सिंगुलर, ठीक हमने मान लिया
जब ये हैं सिंगुलर तो इसके साथ जो वर्ब आएगी या जो प्रोनाउन आएगी वो कैसी आनी चाहिए, वो कैसी आनी चाहिए, वो भी तो आनी चाहिए सिंगुलर ही। ठीक, जैसे मान लीजिए ये सिंगुलर है और हमने क्या बात किया था, एक चीज़ और बात किया था कि इन सभी के, देखिए एवरी वन एवरीबडी, इन सभी के लिए हम बात किया था कि इस सेंटेंस में किसके लिए यूज करेंगे हम, लिविंग के लिए। ठीक, जैसे देखिए हिज, अब देखिए हिज चूंकि आपको क्या पता है, देखिए ही होता है, ही देखिए आपका ही डिनोट करता है क्या, मेल के लिए। ठीक, और मेल चूंकि है सजीव, ठीक, जब मेल है सजीव तो देखिए ही से, देखिए ही सब्जेक्ट केस होता है, इसका ऑब्जेक्ट केस ही से बन जाएगा ही, हिम। ठीक, इसका पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा हिज, इसका मतलब ये जो ही आ रही है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसमें हिज काम प्रयोग करेंगे किसके लिए, सजीव के लिए। सजीव, देखिए ही का प्रयोग मेल यानी सजीव के लिए किया जाता है, तो इसका मतलब हिज भी तो सजीव के लिए जाएगा, यानी इसमें सिंपल देखिए प्लूरल फॉर्म गलत हो गया, क्योंकि ये जब सिंगुलर है तो वर्ब भी रहेगी सिंगुलर और ये अपने साथ सजीव का भी प्रयोग करती है, यानी सेंटेंस में लिविंग यानी सजीव के लिए भी यूज होता है। ठीक, सेंटेंस क्लियर हुआ आपको? ठीक, तो फ्रेंड्स आज हमने आपको बताया कि इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, देखिए आज आप डेली एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, डेली आपको हम बेसिक चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको बता दिया, प्रोनाउंस की क्लास में हमने आपको बताया, क्लियर किया आपके सामने इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक फ्रेंड्स, आपको जहाँ भी डाउट्स हो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि हाँ हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको कमेंट बॉक्स में ही पूरे डिटेल से समझाने की कोशिश करें। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए हमने आपको बता दिया इंडिफिनिट प्रोनाउन, और जो भी आपको डाउट्स क्लियर हो या ना क्लियर हो आप कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट में आपके जवाब का हम रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए फिलहाल इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स के पास। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।